नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समर्थन और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की विधायक ज्योति देवी का ये कहना है कि वह भी बिहार सरकार में मंत्री बनने की इच्छुक हैं। ज्योति देवी ने बिहार में गठित नई सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाएंगे तो वह जरूर मंत्री के तौर पर काम करेंगी। बातचीत करते हुए ज्योति देवी ने जनता दल यूनाइटेड के ऊपर भी बड़ा हमला बोला और सवाल पूछा कि आखिर क्यों विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और श्रवण कुमार जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता हर बार मंत्री बनते हैं और क्यों नहीं नए लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जाता है। वहीं बारा चट्टी विधायक ज्योति देवी ने यह कहा है कि श्रवण कुमार, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जैसे नेता इतने सालों से चुंबक की तरह मंत्री पद से चिपके हुए हैं और नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है जो कि 3 बार या फिर 4 बार चुनकर आए हैं। यही लोग मंत्री बने रहेंगे तो नेता कब सीखेंगे। और हालांकि ज्योति देवी ने यह दावा किया है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जीतन राम मांझी बहुमत परीक्षण से पहले पलट सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्योति देवी ने कहा है कि विपक्ष की तरफ से जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर था मगर वह एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की विधायक ने आगे कहा है कि आरजेडी का क्या भरोसा, हमको मुख्यमंत्री का ऑफर देकर 2-4 महीने बाद भाग सकते हैं और इसी की कौन सी गारंटी है कि और इसकी गारंटी हमें भी नहीं है। और तेजस्वी यादव भी ऑफर लेकर उप मुख्यमंत्री बन गए थे। सभी मलाईदार विभाग जैसे पथ निर्माण और ग्रामीण विभाग उन्हीं के पास दिए गए थे और इसके बावजूद भी वह वहां पर सट नहीं सके। क्या भरोसा कि मुख्यमंत्री का ऑफर देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दें और 3 महीने के बाद लात मारकर उन्हें भगा दें।